नमस्कार, बलजीत वैदिक गेस्ट्रो में आप सबका मैं बलजीत स्वागत करती हूँ। आज बहुत टाइम बाद वीडियो बन रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम से रेगुलर इंटरवल्स में मैं आपके लिए कोई ना कोई एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। आज भी मेरा टॉपिक फेस रीडिंग पर ही है, हम फेस रीडिंग पर ही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो था उसको 1 ईयर हो गया है, लेकिन मेरे पास अब क्वेरीज आ रही हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैं दोबारा वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। सो थैंक यू सो मच। मेरा जो वीडियो था आईब्रोज़ के ऊपर सबने बहुत पसंद किया, इसलिए मैं एक टॉपिक और लेकर आती हूँ। वो टॉपिक है आईब्रोज़ का फेड होना। अगर आईब्रोज़ फेड हो जाती हैं या आईब्रो के बाल झड़ने लग जाते हैं या आईब्रो ही नहीं होती है तो इसका क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईब्रो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस प्ले करता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया। लेकिन अगर आईब्रो है ही नहीं या फेड हो रही है तो उससे क्या होता है। देखिए, समझने वाली बात है कि अगर आईब्रो फेड हो रही है तो आप देखें आपके आसपास जिनकी आईब्रोज़ फेड हो रही हैं उनमें गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, गाली गलौज करने लगते हैं, हो सकता है कि हाथ भी उठा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है एक तो एक रीज़न। दूसरा फैक्टर क्या होता है, फिनांसिस में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, मैं अभी आपको कुछ फेसेस दिखाऊंगी जिनके पास बहुत पैसा है, राज कर रहे हैं और किया भी है उन्होंने। लेकिन आम तौर पे अगर मैं आम जीवन में देखूं, हमारे प्रैक्टिकल बात करूं, रोज़मर्रा में जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, तो फिनेंशियल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, पैसों में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आईब्रोज़ का फेड होना, कम होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ मेजर केसेस देखें, एक्सट्रीम केसेस देखें, तो ये लोग मर्डरर्स भी हो जाते हैं। मैं आम लोग ऐसे बात नहीं कर रही कि आपके आपके आसपास कोई है आईब्रो फेड हो रही है तो आप उनसे डरना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गुस्सा बहुत बढ़ता है, हो सकता है कि उनकी ज़ुबान भी ख़राब हो जाए, गाली गलौज भी करें, और कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ के ऊपर या किसी पे भी ईज़िली हाथ उठा सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल देते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, वो है ये आप सब जानते हैं, ये हिटलर रहे हैं और इनका होलोकॉस्ट हम सब ने देखा है कि कितना ख़तरनाक रहा है। मींस लाखों लाखों लोग की हत्या का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है। इन्होंने तानाशाही की, तानाशाह थे। तो अब देखें इनकी आईब्रोज़ कहाँ जा रही हैं, आप ध्यान से देखें, आईब्रोज़ इनकी फेड हो रही हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा तानाशाह हो जाते हैं, लोगों पे ये रूल भी करते हैं, डोमिनेट ज़्यादा करते हैं, काफ़ी डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल तो ये है क्योंकि हम सब इनको जानते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं बड़े लोगों के एग्ज़ाम्पल्स दूंगी क्योंकि हम उनको जानते हैं या हमने कहीं ना कहीं उनके बारे में पढ़ा है। अच्छा, दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं लेकर आती हूँ, ये देखिए, ये अभी भी रूल कर रहे हैं, किम जोंग हैं, इनको सब जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के हैं। लेकिन आप सब जानते हैं ये किस हद लेवल तक जा चुके हैं, नहीं तो आप गूगल सर्च करें, आपको इनके बारे में सब पता चल जाएगा। देखिए इनकी आईब्रोज़ कहाँ चली गई हैं। ये किसी को भी मारने का ऑर्डर देने से पहले मुझे नहीं लगता ये ज़रा भी सोचते होंगे। तानाशाह हैं बहुत बड़े और ये भी बहुत बड़े तानाशाही हैं, इन दोनों का रूल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, इनको पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल लेकर आ रही हूँ, ये अगर आप लोग भूल गए हों तो इनको वीरप्पन के नाम से जाना जाता था। देखें इनके पास आईब्रोज ही नहीं है,
ये बिल्कुल फेड हो चुकी हैं, नाक के बराबर आईब्रोज़ हैं और आईब्रोज़ और आँख के बीच का हिस्सा इतना ज़्यादा सटा हुआ है कि ये इनको बहुत रेस्टलेस भी बनाता है। मुझे नहीं लगता कि ये ढंग से सो भी पाते होंगे, इतने रेस्टलेस हो जाते होंगे। और मर्डर्स तो अनगिनत मर्डर किए हैं। ये तो बात रही बहुत इम्पॉर्टेंट लोग जिन्होंने ये रोल प्ले किया है या मैं जिनके पिक आपको दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर आम जिंदगी में आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके बेटे, मदर, सिस्टर, अगर किसी की आईब्रो फेड हो रही हैं तो आप देखेंगे उनके नेचर में गुस्सा आ रहा होगा। तो गुस्से को कम करने के लिए बहुत सिंपल उपाय है, 5-10 रुपए की आईब्रो पेंसिल। आप आईब्रो पेंसिल्स को यूज़ करना शुरू कर दें, धीरे धीरे वाक्य में बहुत बदलाव आएंगे। या यूट्यूब में आईब्रो टिंटिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको फॉलोअप करें, वो नेचुरल भी लगते हैं। तो आप अपनी आईब्रोज़ अच्छी करें, घनी करें, सुंदर करें और अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी करें। और आज का मैं वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।